हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग बेसिक फाइनल अकाउंट सीखेंगे, राइट। तो फाइनल अकाउंट कैसे सॉल्व करते हैं, बच्चों लोग देख के डर जाते हैं, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, राइट, ये बोर्ड का समय। ओके, तो सबसे पहले क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट में कॉलम क्या बनता है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये दो पार्टनर है देखो। ओके, इसमें रमेश सुरेश, तो इसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक बनेगा बैलेंस शीट। ये दो पेज का तुम्हारा सम रहेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या कर दो, तुमको मालूम होना चाहिए कि किधर कहा था। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फैक्ट्री के रिलेटेड आएगा, यहाँ ऑफिस के रिलेटेड आएगा। तो हर सब में सबसे पहले यहाँ लिख देना था टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखने गया था, टू ओपनिंग स्टॉक। तो फिर क्रेडिट में क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, फिर डेबिट में लिखेंगे परचेस, परचेस मतलब माल खरीदा, इधर आएगा परचेस, फिक्स है हर समय लिख देने का। सेल्स मतलब माल बेचा, आया तो इधर गया तो इधर, है ना। तो परचेस किधर आएगा, डेबिट में, सेल किधर आएगा, क्रेडिट में। फिर परचेस से ना याद रखो, परचेस रिटर्न माइनस होएगा, परचेस रिटर्न मतलब जो माल बेचा है, जो खरीदा था उसको रिटर्न किया ना, और सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करना होता है हमेशा, क्या माइनस करना होता है, सेल्स रिटर्न। और क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस आएगा, जो वर्कर लोग को मिलता है ना रोज का हाजिरी। तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ऑफिस का खरीदा, कैरेज इनवर्ड आएगा, इधर कैरेज आउटवर्ड आएगा, इधर फैक्ट्री ऑक्ट्राय रॉयल्टी जो फैक्ट्री के रिलेटेड है वो यहाँ आएगा, वैसे यहाँ ऑफिस के रिलेटेड है, इंटरेस्ट डिस्काउंट कमीशन जनरल एक्सपेंस सेंडरी एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट रेंट ऑफ, है ना, ये सब तुम्हारा डेबिट में। तो इधर इनकम आएगा, इधर आएगा, इधर पेड आएगा, तो इधर रिसीव्ड आएगा। ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट है, तो इधर लिखने का टू ड्रॉइंग, डेबिट में ड्रॉइंग आएगा, क्या आएगा, ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्रॉइंग। तो कैपिटल का बैलेंस आपको क्रेडिट क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, क्या करके लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये तुम्हारा बैलेंस शीट है, तो ये स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशन का, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। लाइबिलिटीज़ माने कर्जा होता है, और एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, बंगला गाड़ी, बैंक बैलेंस मतलब लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस बिल रिसीवेबल डेटर, वो सब यहाँ आएगा ना, प्रीपेड एक्सपेंस। इधर आएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, इधर इन्वेस्टमेंट आएगा, इधर बैंक लोन आएगा। तब ये मैंने जो बोला है वो ओरली, तभी जब मजा कब आएगा, जब तब तुमको सम सॉल्व करके वह देखेंगे। तो सबसे पहले ना एडजस्टमेंट को टिक मार्क करने का, तो क्लोथिंग स्टॉक को टिक मार्क नहीं करने का, गुड सेल्स को भी टिक मार्क नहीं करने का। इधर बोला है बैड डेट्स, तो डेटर्स पे टिक मार्क करने का रहता है, और बैड डेट्स देखा तो इस पर निशान मारने का, क्योंकि इधर एक लाइन छोड़ना पड़ेगा ना एडजस्टमेंट में। फिर फर्नीचर पे आया, तो फर्नीचर पे टिक मार्क किया, और इंश्योरेंस बोला, क्या बोला, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की इधर ऐसे टिक मार्क करते, ठीक है। अब टेबल को एक दफ़ा लिखेंगे, एडजस्टमेंट को दो बार लिखेंगे। तो सबसे पहले पोस्टिंग टेबल की करने का। अभी जो डेबिट साइड होता है ना, डेबिट साइड, वो डेबिट में ही आएगा, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या तो पीएनएल के डेबिट में आएगा, या तो कैपिटल के डेबिट, नहीं तो एसेट्स में आएगा, इधर इधर इधर, नहीं तो इधर। और जो क्रेडिट साइड है वो तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, नहीं तो कर्जा में आएगा ना। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, डेबिट से। तो इधर ईयर एंड होता है 2017 को, इधर डाल देंगे 2017। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक होता है क्योंकि स्टार्टिंग डेट है ना। तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये वाला अमाउंट बाहर डालेंगे, ओपनिंग स्टॉक 32,500। फिर क्या बोला है, परचेस, तो परचेस मतलब माल खरीद के कहाँ रखेंगे, ऑफिस में थोड़ी रखेंगे यार, एसी वाले रूम में थोड़ी, फैक्ट्री में रखेंगे ना, स्टोर में, स्टोर बोले तो फैक्ट्री, फैक्ट्री बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया परचेस, 44,500, जिधर लिखेंगे 44,500। तो जो परचेस रिटर्न वो यहाँ रहता है, परचेस इधर, परचेस रिटर्न, तो इधर टेबल में कोई परचेस रिटर्न नहीं दिया है, तो ये डैश मार के अमाउंट बाहर आ जाएगा, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्या बोला, डेटर्स, डेटर्स का माने होता है कस्टमर से पैसा लेना, कस्टमर से पैसा आने वाला है उसको डेटर्स बोलते हैं। तो कितना रुपये आने वाला है, 1,00,000। तो डेटर अपना क्या होता है, एसेट्स होता है, क्या होता है, उधारी का पैसा वसूल करना है। तो क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, अपने को पेमेंट करना है, लेना है देना है, बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल, डेटर्स 1,00,000 है। अभी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का माने होता है अपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, जमा किया है शेयर्स में, तो एसेट्स होता है ना इन्वेस्टमेंट, तो एसेट्स से तो एसेट्स में डालेंगे, कर्ज में क्यों डालेंगे, लोन लाइबिलिटी में आएगा ना, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आएगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स। फिर बोला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेंट एडवर्टीजमेंट ये सब ऑफिस का खर्चा होता है, तो ऑफिस का खर्चा आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 10,200। अब इसको अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इधर देखो रेड कलर का निशान बना है ना, एडजस्टमेंट है। प्लांट और मशीनरी क्या होता है, एसेट्स होता है, बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना, 15,000, तो 15,000 किधर रहेगा, एसेट्स में। इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये वाला अमाउंट बाहर डाल देंगे, ओके, आउटर कॉलम में डाल देने का, प्लांट एंड मशीनरी, सिंपल बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्या दिया है, सैलरीज, अगर वेजेस ये रहेगा तो यहाँ आएगा ना, इधर लिखते थे वेजेस, क्या लिखते थे, तो इधर आएगा सैलरीज, वेजेस मतलब रोज का हाजिरी, सैलरी मतलब महीने का पगार,
सैलरीज ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है तो ये आएगा 4850, अमाउंट बाहर डाल देंगे। फिर बोला है बैड डेट्स, बैड डेट मतलब चूना लगा, पैसा लेके भाग गया, तो कौन हिसाब किताब संभालेगा? ऑफिस वाला। तो इधर ही आएगा बैड डेट्स। ओके, बैड डेट मतलब जो पैसा लेके चला गया है, कितना लेके गया? 500। अब इस पर एडजस्टमेंट है डेटर्स का, तो इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या दिया है? फर्नीचर। तो फर्नीचर एसेट्स होता है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस है ना, सोफा वोफा सब एसेट्स है। इसमें निशान है मतलब ये एडजस्टमेंट है, तो हम अमाउंट अंदर लिख देंगे। अब इसकी जो कहानी है अभी अपन डिस्कस करने वाले। कैश मतलब रोकड़ा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो क्या होता है ये? एसेट्स होता है, तो इसको एसेट्स में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में। कैश बैंक बैलेंस किधर आएगा? एसेट्स में। इस तरह अपना पोस्टिंग हो रहा है, इसको पोस्टिंग बोलते हैं, राइट। अभी पोस्टिंग भी सिर्फ कहाँ की हुई? डेबिट साइड की हुई। अभी क्रेडिट साइड की पोस्टिंग, क्रेडिट में देखो क्रेडिटर्स दिया, क्या दिया? क्रेडिटर्स। डेटर अगर एसेट होता है तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है। इधर चार लाइन हमेशा छोड़ देने का बैलेंस ट्रांसफर के लिए। तो क्रेडिटर्स, कितना क्रेडिटर्स है? 45325। बिल्स पेबल भी इधर आएगा, ऑर्डर भी इधर आएगा, बैंक लोन भी इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग इधर आएगा, प्रीपेड इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। फिर बोला है सेल्स, तो जहाँ परचेस अगर डेबिट में आता है तो सेल्स क्रेडिट में आएगा। कितना अमाउंट है? 61,000। इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट किधर आ जाएगा? बाहर। ओके, फिर क्या दिया है? कैपिटल। ओके, तो कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में ही रहता है और ड्रॉइंग को डेबिट में लिखते हैं। तो कैपिटल को कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 120,000 और 40,000। इधर लिखेंगे 120, इधर लिखेंगे 40,000। ओके, कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर है। अगर ड्रॉइंग रहता तो डेबिट में आता, और जिधर ड्रॉइंग है तो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जिधर कैपिटल है उधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को सैलरी मिला इधर, पार्टनर को रेंट मिला इधर, पार्टनर को कमीशन मिला इधर, पार्टनर को मिल रहा है इधर, पार्टनर लेके जा रहा है इधर। ओके, सिंपल, और कुछ नहीं आएगा। और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा वो आ जाएगा। तो इस तरह हमने टेबल का पोस्टिंग कर लिया, राइट। अब एडजस्टमेंट को लिखना है, तो एडजस्टमेंट को दो बार लिखना रहता है, दो बार। ओके, टेबल एक बार तो एडजस्टमेंट दो बार, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो पहला दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको याद करना पड़ेगा ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एसेट्स में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट, क्योंकि ओपनिंग यहाँ होता है तो क्लोजिंग यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक मतलब बच गया स्टॉक, कितना बच गया? 28,000। तो स्टॉक बच गया तो एसेट्स हो गया। तो अभी आप स्टॉक बच गया, उन लोग थोड़ी फेंकेंगे यार, एसेट्स है ना उनका, वो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट ईयर बेचेंगे। तो स्टॉक बच गया तो क्या हो जाता है? एसेट्स, जिसे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह दो इफेक्ट तुम्हारा आ जाएगा, राइट। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखा? एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा और एक एसेट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एक एसेट। ऐसा तुमको क्या करना है? एडजस्टमेंट याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है मालूम है? गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, 3,000 का गुड्स फ्री में बांटा। तो गुड्स लॉस, गुड्स अगर जा रहा है ना तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स थेफ, गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल है ना, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, ट्रेडिंग के क्रेडिट। आया तो इधर, गया तो इधर। तो कितने का गुड्स गया इधर? 3,000 फ्री में बांटा, मतलब एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं उसको। इधर लिखेंगे बाय गुड्स, जो नाम दिया है पूरा सेम लिख देने का, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, 3,000 का माल फ्री में बांटा। तो इधर गया गुड्स 3,000 का, और जब फ्री में बांटा तो तुम्हारा खर्चा हो गया, तो इसको एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट करके 3,000 इधर डाल देंगे, सही। अगर नहीं समझ में आया तो ये रेड कलर वाला ही उठा के लिख दो ना, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। और इधर ही क्यों लिखा? क्योंकि फ्री में बांटा तो खर्चा हो गया ना, इधर गया और खर्चा हो गया, ऐसा शो करना पड़ता है। अभी तो बोला है फर्दर बैड डेट्स, मतलब 800 रुपया और डाउट है कि पैसा लेके भागेगा। मतलब 1,00,000 में से जो डेटर था अपना कस्टमर 1,00,000, उसमें से 800 रुपया का चूना लगने वाला है, तो वो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो फर्दर बैड डेट लिखे, न्यू बैड डेट्स 800 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 99,200, ठीक है। तो आपका एसेट्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ना? एसेट्स कम हो रहा है ना, तो प्रॉपर्टी कम हो रही है, तो फायदा होगा कि लॉस हुआ? लॉस। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे पीएनएल के किधर आएगा? डेबिट में। तो इधर ऑलरेडी बैड डेट्स है ना, तो इसको ये ऐड कर दो। इधर लिख देंगे न्यू बैड डेट्स, क्या लिख देंगे? न्यू बैड डेट 800, पहले 500 लेके भागा, अब कितना डाउट है? 800। तो कुल मिला के 1,300 लॉस हो गया, कुल मिला के 1,300 क्या हो गया? लॉस। एक इधर कम और एक इधर है ना। अभी वैसे ही सेम ना ये वाला एडजस्टमेंट है तुम्हारा। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन निकालने का 5%, कितना परसेंट? तो फर्नीचर के बाद डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि अपनी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसके ऊपर कितना टका निकालेंगे? 12,500 के ऊपर 5% निकालेंगे, राइट। तो
10% कितना था 1250, 10% मतलब 10 छुपा देंगे तो 5% मतलब 625 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 625। तो कैसे निकालेंगे 5%, ऐसे निकालना पड़ेगा 12500 के ऊपर 5/100, 2020 कैंसिल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा राइट। अभी माइनस करके अमाउंट कितना डाल दो, भाड़ डाल दो, फिर से प्रॉपर्टी बढ़ रही कि कम हो रही है आपकी, कम हो रही है, ऐसे फायदा हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मतलब लॉस हो गया ना, तो लॉस हो गया तो किधर आएगा, दूसरे पैक पीएनएल के डेबिट में, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे दूसरे पैक इधर आ जाएगा, इधर लिखा जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यह अमाउंट आएगा ठीक है 625। सिंपल। तो अभी अपन ने क्या किया, डेप्रिशिएट किया, आरडीडी किया, डेटर्स माइनस करके डाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अभी फोर्थ बोला है, फिफ्थ बोला है प्रीपेड, क्या बोला है प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस पे किया, क्या पे किया एडवांस, कितना पे किया एडवांस 1875। तो आउटस्टैंडिंग बोला रहेगा तो ऐड करने का, प्रीपेड बोला रहेगा तो माइनस करने का, तो उसने पैसा एडवांस में भरा ना ज़्यादा, तो प्रीपेड क्या कर देंगे माइनस, कितना प्रीपेड भरा 1875, तो इन दोनों में से क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो 8325 आएगा राइट। तो अभी ये खर्चा होता है ना, ये देखो खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, खर्चा 10,000 से 8,000 कम हुआ ना, तो जब खर्चा कम होता है तो फायदा होता है ना यार, और जब खर्चा बढ़ता है तो कर्जा होता है, तो इधर क्या लिखेंगे आप लोग प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस है 1875। मान लो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला रहता तो मैं सैलरी में ऐड करता और दूसरा पैक लाइबिलिटी में आता, दूसरा पैक किधर आता लाइबिलिटी में आता ठीक है, इस तरह तुमने क्या किया पोस्टिंग किया राइट। तो अगर बैलेंस करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मन में दोनों साइड का टोटल निकालना पड़ेगा राइट। तो इधर का टोटल निकाला ना तो 92,000 आ रहा है और इधर का कुछ 70 मतलब कम आ रहा है ओके, तो ये 92 दोनों तरफ लिखने का क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो 92 में से दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना है ये 74 है समझो, तो 92 में से इतना माइनस किया ना तो तुमको 15,000 आ जाएगा, तो क्रेडिट ज़्यादा हो गया ना, तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको ग्रॉस प्रॉफिट, इधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देने का किधर पीएनएल अकाउंट में, इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना आया 15,000। अब ये 15,000 को क्या करेंगे फिर से बैलेंस करेंगे इसको, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे ना मैं टोटल दिखाता हूँ, तो इधर डेबिट वाला ज़्यादा आ रहा है तो लॉस हो गया, तो ये ज़्यादा 18,000 में से 15 गया तो 3,100 का लॉस हुआ, वो लॉस को लोगों ने आधा आधा बांटा ना, लॉस किधर लिखा क्रेडिट में लिखा, कौन सा साइड में लिखा क्रेडिट, तो क्रेडिट से किधर आएगा डेबिट में, क्रेडिट से किधर आएगा डेबिट में, फिर उसको बैलेंस करके जो कैपिटल का बैलेंस आएगा यहाँ डालेंगे, फिर तुम्हारा टैली हो जाएगा। तो टैली वाला सम अच्छे से मैंने समझा दिया था, इसमें आपको सिर्फ पोस्टिंग सीखने का, डिटेल में मैंने 25 से 30 सम सॉल्व कर दिया है, तो अच्छे से चेक कर लो हार्ड वाला बोर्ड वाला, इस तरह तुम्हारा सम आता है एग्जाम में ठीक है। थैंक यू।